बैठक इसी हो और कुमाऊं घर से आए हुए मेरे सभी शिक्षक और शिक्षिका साथियों, आप सबका सादर अभिवादन, आप सबका सादर प्रणाम। मैं पुष्पे सांगा फिर से इस बार आप लोगों के बीच में मंडल मंत्री प्रत्याशी के तौर पर आया हूं। साथियों, आपने 4 सालों का कार्यकाल पिछली कार्यकारिणी का देखा है, क्या हासिल हुआ आपको बताइए, क्या हासिल हुआ? आज की तारीख में सैकड़ों टीचरों को उठा करके नीचे से ऊपर पटक दिया गया, टीचर बेचारा कोर्ट में चले गया, दुर्गा माला आ नहीं पा रहा नीचे, क्या काम हुए? जब मंडल कार्यकारिणी को आपके साथ खड़ा होना था, सारे के सारे गायब थे। क्यों कुमाऊं मंडल के टीचर को अकेला छोड़ दिया गया? किया किसी ने संघर्ष? आप लोगों ने अपने अकेले दम पे किया, आप लोग गए, आप लोगों ने अपने स्थानांतरण निरस्त करवाए, आप लोगों ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी। क्यों नहीं आपका पदाधिकारी सुना जाता इस मंच से जब बड़ी बड़ी बातें करता है, क्यों नहीं आपके साथ खड़ा होता, बताइए, जवाब दीजिए। यही हाल प्रांत में भी था, किया ना आप लोगों ने परिवर्तन, 6 साल में परिवर्तन किया, जवाब मिला ना आपको 1 महीने के अंदर मिला जवाब, और देखिए दो काम फटाफट हो गए। चुनियो ना उसको जो आपकी लगान थापने को तैयार हो, लगान से मेरा मतलब है सेवा, जो आपकी अगले 2 सालों तक, आप जब यहाँ पे आए हो तो अपने उस प्रतिनिधि को चुनने आए हो जो आप तक आपके अगले 2 सालों की नौकरी की जो लड़ाई है उसकी कमान थापेगा। कमजोर हाथों में दोगे कमान अपनी, जिनमें दम ही नहीं है थापने का, उन हाथों में दोगे, अगले उसको दो जिसने लड़ाइयां लड़ी हो, जिसने संघर्ष किया हो। हमने लड़ाई मैंने लड़ी लड़ाई, पूछ लो उत्तरकाशी से लेकर के अस्कोट तक के गैस से आप लोगों के सारे पद मैंने खाली करवाए हैं। इस पूरे डिपार्टमेंट में जो आज रिक्तियां हैं, जिसमें आज सूट लिया जा रहे हो, प्रमोशन हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, मेरी बदौलत हमने लड़ाई लड़ी है, वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है, कितनी गालियां हमने खाई, किसके लिए? कोई मेरा रिश्तेदार थोड़ी था गैस जिससे भराओ, हमने अकेले दम पे हमने लड़ाई लड़ी है, आप लोगों के सहयोग से लड़ी है, कई साथी थे इसके पीछे बैठे हुए जिन्होंने हमको सहयोग दिया, नाम हमने अपना बढ़ाया, आगे लड़ते हैं आपके लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके शिक्षक के सम्मान के लिए। बातें हमारे पास गवाह है, 2007 याद कीजिए, जब 1740 1850 नहीं मिला था, लड़ाई लड़ी हमने और 8 महीने के अंदर दिखाया आपको एलटी को 1740 और उसको 1850 प्रवक्ता को हमने दिखाया। पुरानी पेंशन की लड़ाई उत्तराखंड में चैलेंज है, सबसे पहले मैंने शुरू करी, हम लोगों ने शुरू करी, कोर्ट गए, सैकड़ों टीचरों के ऑर्डर हुए हैं, सैकड़ों प्राथमिक से लेकर उसका लेक्चरर तक, और आज अल्टीमेटली बहुत जल्दी सबको मिलने वाली है, और जो निश्चित चाहिए अगर हम चुने गए और रहे तो भाई साहब ऐसा माहौल तैयार कर देंगे 2 साल के अंदर कि आने वाले सरकार को मानना पड़ेगा और आपको देनी पड़ेगी। हमारी वही रणनीति है जो हिमाचल में लागू हुई, जो कर्नाटक में टीचरों ने लागू करी, समझिए आपकी सेवा है, आपकी नौकरी है, आपको पेंशन मिलनी कितनी जरूरी है। लड़ते हैं हम, अलग गुट्टे बनाते हैं, सबको सांस लेकर के सबकी इकट्ठे लड़ाई लड़ते हैं, हिम्मत चाहिए, कलीजा चाहिए आगे बढ़ने के लिए। जब बात आई आप लोगों के रिकवरी की, कौन आया सामने? कोई आया? सबकी रिकवरी लाखों रुपए की आने लगी, जैन प्रबंधन में जब उन्होंने इंक्रीमेंट कम कर दिए, लड़ा कोई आपके लिए? हम लड़े, हमने स्टे करवाए, सैकड़ों टीचर के स्टे हैं आज, मजा ना किसी की जो 1 रुपया वसूल के दिखा दे। मैं चुना चाहता हूँ वादा इस मंच से कुमाऊं के मंडल मंत्री के तौर में 1 रुपए की वसूली नहीं होगी, निश्चित जान लो, और जिनको नहीं मिला चैन प्रबंधन की मान इंक्रीमेंट 100% मिलेगा। आपकी जब बात आई 2017 में जब कोटीकरण बदल दिए गए थे, पहाड़ के 200 से ऊपर टीचर सॉरी स्कूल्स जो थे हमारे सुगम बना दिए गए थे, पहाड़ के दुर्गम से सुगम बना दिए थे 2013 तक, किसने ठीक करवाया? मैं गया, मैंने ठीक करवाया, हिम्मत है करी आगे बढ़ने की, चुनो उसको ना जो लड़ सके। आपकी तारीख में आप पटक दिएगा यहाँ से ऊपर, मिला किसी को दंड है? कोई इसका जिम्मेदार? किसी पे हुई जिम्मेदारी तय? आपके 1000 रुपए कोर्ट में खर्च हो गए, कौन जीता? लड़ो उसको, हिम्मत चुनो, शक्तिशाली को चुनो, जिस पे दम हो उसको चुनो, मंडल मंत्री है कोई हवा नहीं है, आपकी लड़ाई यहाँ से लेकर नैनीताल से लेकर देहरादून तक लड़नी है उसने, उसको चुनो, हिम्मत बढ़ाओ, अपनी हिम्मत करो, बदलो ना माहौल को, क्यों नहीं बदल रहे हो? डर किस बात का है? मत पड़ो संपर्क में, एक बार चुनके तो देखो किसी ऐसे आदमी को जो तुम्हारी लड़े, निष्पक्ष लड़े, हरेक के लड़े, बेसिक के जो ये कहते हैं सालों से कि हम तुम्हारी सेवा जुड़वाएंगे, सॉरी वेतन जुड़वाएंगे, जुड़वाया आज तक है किसी में? किसी में बेचारा कोर्ट जाना पड़ा, हम लड़ाई लड़ेंगे बेसिक की, आगे बढ़ाओ। एलटी के प्रमोशन निश्चित जान लीजिए, यहाँ पे आएंगे 2 महीने के अंदर स्टेट खारिज होगा, प्रवक्ता के जितने भी पदोन्नति हैं सारे मामले होंगे, यही तो चीज है हमारी, सेवा स्मूथली आपकी चलेगी, आपको नियत समय पे प्रमोशन मिलेंगे, आपके ट्रांसफर होंगे, निश्चित जानिए, चुनिए उसको जो काम कर सके, जिसने काम किया हो, जिसपे एक्सपीरियंस हो, संगठन का ज्ञान हो, अधिकारियों से बात करनी हो, नियमों का ज्ञान हो, ऐसे किसी आदमी को नहीं चुनना है जो आने वाले सालों में फिर आपको आज 23 के बाद
25 या उससे आगे पूछ सकते निकाय। तो इसी के साथ मैं कम शब्दों में 5 मिनट का समय दिया मुझे, आपका धन्यवाद, इतनी बात कह पाया हूँ। इसके आगे की जो भी बातें होंगी, जब भी आप मुझे मौका मिलेगा सामने पाएंगे, कोई भी दिक्कत हो किसी के साथ मुझसे संपर्क करें, 24 आवर जवाब जरूर मिलेगा साथियों। जय उत्तराखंड, जय राज की सिंह।